हिमालया किस्त नंबर 202। शिरान किसी भी एरिना में नजर नहीं आया। आज तीसरा दिन था। अदनान उसे तलाश कर रहा था। फिर जब तजस्सुस ज़्यादा बढ़ा तो वो शिरान की रहायशगाह की तरफ चल पड़ा। कमरे के बाहर मुहाफिज मौजूद था। मिस्टर शिरान अंदर मौजूद हैं? ओह नहीं, वो जा चुके हैं। मुहाफिज ने सुकून की गहरी सांस लेकर कहा। कहाँ? अदनान उछल पड़ा। तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी उनकी। चले गए। कब? अदनान का दिल खून हो गया। कल दोपहर को, मुहाफिज ने जवाब दिया और अदनान पागलों की तरह बाहर निकल आया। इसका पूरा बदन कांप रहा था। ये सब कुछ इसकी तोक्को के खिलाफ था। वो बुरी तरह बदहवास हो गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सोचा भी नहीं था उसने। वो दीवानावार दौड़ता हुआ हिशून के दफ्तर पहुंच गया। मुतअद्दिद अफराद से उसने शिरान के बारे में पूछा और मुहाफिज की बात की तस्दीक हो गई। वो कहाँ गए? इसके बारे में कुछ मालूम हो सकता है? ये कैसे मालूम हो सकता है जनाब, हम इतनी छानबीन नहीं करते। अदनान बाहर निकल आया। अब उसे अपनी हिमाकतों का एहसास हो रहा था। उसने बहुत ज़्यादा जीरक बनने की कोशिश की थी। खुद ही सब कुछ कर लेना चाहता था। काश मैं इतनी खुद एतमादी का मुजाहरा न करता। काश शिरान की नज़र आती मिस्टर मारिनो को इत्तला दे देता। दरहकीकत तन्हाई सब कुछ करना मेरे बस की बात ना थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो एक बार फिर शिरान को खो चुका था। नाचे वो मायूस कदमों से अपने कमरे में लौट आया जहाँ कॉलगन इसका मुंतजिर था। कॉलगन को इसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं था। अदनान के साथ वो कमरे में दाखिल हो गया। माफ़ करना दोस्त, कुछ ऐसी मसरूफियत पेश आ गई थी कि जल्दी वापस ना सका, लेकिन जिस काम से गया था इससे गाफिल नहीं रहा। सबसे पहले एक हैरतनाक इत्तला सुनो। जिन दोनों अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्होंने खुदकुशी कर ली। शायद उन्होंने जहर खा लिया। मैं दावे से कह सकता हूँ अदनान की बात मामूली नहीं, कोई बड़ी साजिश है। और जो लोग इसकी पुश्त पर हैं वो मामूली नोयत के लोग नहीं हैं। पुलिस की तहवील में एक मामूली जुर्म के तहत पहुंच जाना कोई ऐसी बात नहीं जो इस कदर तशवीशनाक हो, लेकिन शायद उन्हें इस साजिश के खुल जाने का अंदेशा था। और खुदकुशी कर लेना आसान काम नहीं है। जब तुम अपने बाप के दुश्मनों के बारे में मुझे तफसील बताओगे तभी मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि साजिश किस नोयत की है। दूसरी बात, मैंने शहर में एक ऐसी इमारत का बंदोबस्त कर लिया है जहाँ मिस्टर शिरान को ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो शायद मजीद भी कुछ कहता लेकिन अदनान को खिलाफ मामूल जरूरत से ज़्यादा खामोश देकर चौंक पड़ा। उसे यूं लगा जैसे अदनान कहीं और खोया हुआ है और इसने उसकी कोई बात नहीं सुनी है। ओ डेर अदनान, खैरियत? क्या तुम कुछ बीमार हो? तुम्हारा चेहरा जर्द हो रहा है। खैरियत मेरे दोस्त? देर हो गई कॉलगन, हमें देर हो गई, अदनान ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। क्या मतलब? वो लोग शिरान को ले गए। नहीं, कहाँ? कॉलगन ने बेख्तियार पूछा। इसकी तरबियत मुकम्मल हो गई थी इससे कल वो यहाँ से चला गया, अदनान ने भारी लहजे में कहा और कॉलगन की आंखें फैल गईं। वो देर तक कुछ ना बोल सका, फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। अब क्या करोगे? अभी कुछ नहीं कह सकता कॉलगन, उसे कुछ हिमाकतें हुई हैं, ऐसी हिमाकतें जिन पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता। अदनान की आवाज़ बदस्तूर भारी थी। कॉलगन गहरी नज़रों से अदनान को देखने लगा, फिर उसने उसके शाने थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा असर ले रहे हो अदनान। कॉलगन तुम्हारे साथ है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जिस मकसद के तहत भी शिरान को इस्तेमाल कर रहे हैं बिलाखिर हम उसका पता लगा लेंगे। कहीं बेहतर ना होगा कि तुम मुझे इन लोगों के बारे में कुछ तफसीलात बता दो? मैं जानता हूँ अदनान के तुम इनके बारे में यकीनन कुछ ना कुछ जरूर जानते होगे। वो कौन सी तवील दुश्मनी थी जिसकी बुनियाद पर मिस्टर शिरान को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, और वो कौन लोग थे? अदनान ने कोई जवाब न दिया। वो आँखें बंद करके सोफे की पुश्तगाह से टिक गया था। तब कॉलगन उसके करीब पहुँचा। उसने अदनान की पेशानी को गौर से देखते हुए कहा, अरे तुम्हारा तो सारा बदन पसीने में आया हुआ है, क्या तुम कुछ गरानी महसूस कर रहे हो अदनान? मेरे दोस्त इस कदर असर न लो, हालात बिगड़ते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। बेहतर होगा कि कुछ देर आराम करो, खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करो अदनान, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। उफो, तुम्हें तो सख्त बुखार आ रहा है, ठहरो मैं डॉक्टर से रब्ता कायम करता हूँ। वो अपनी जगह से उठा, अदनान का बाजू पकड़कर उसे बिस्तर तक पहुँचाया और फिर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब वो डॉक्टर को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो अदनान भी होशी का शिकार था। डॉक्टर ने फौरी तौर पर उसे हाईशून के अस्पताल में मुंतकिल करने का मशवरा दिया। फिर कॉलगन की मदद से उसे अस्पताल ले गया। अदनान को शदीद बुखार हो गया था। कॉलगन एक हमदर्द और गमगुसार दोस्त की मानिंद उसके साथ था। दूसरी शख्स जिसने अपनी तमाम तर मसरूफियत तय करके अदनान की खिदमत गुजारी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, एंजा ओलिवर थी। कॉलगन और एंजा मुसलसल अदनान के साथ रहते थे। अदनान पर तबील बेहोशी तारी हो गई थी। डॉक्टरों की राय थी कि शदीद ज़हनी झटके ने उसे इस कैफियत का शिकार कर दिया है, लेकिन ये कैफियत काबिल तशवीश ना थी। तीसरे दिन अदनान को होश आया तो वो शदीद नकाहत का शिकार था। एंजा ओलिवर का उतरा हुआ चेहरा आंख खोलने के बाद सबसे पहले उसके सामने आया।
इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो एंसा, हेलो अदनान, क्या फौलाद में भी जोंक लग सकती है? उसने सवाल किया। मेरे ख्याल में मुहावरतन पत्थर में जोंक लगने का है। चलो वही सही, मुहावरे की तस्सी मत करो। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें कोई शदीद ज़हनी झटका पहुंचा है, क्या हो सकता है वो? अदनान को गुजरे वाकयात याद आ गए, उसका चेहरा फिर उतर गया। कॉलकर ने ओलिवर से मुखातिब होकर कहा, सॉरी मिस ओलिवर, मेरा ख्याल है इन बातों के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त होगा, बराहे करम अभी अदनान के जहन पर कोई बोझ न डालिए। अदनान ने कॉलगन को देखा और कॉलगन ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, इत्मीनान रखो अदनान, कोई ना कोई बेहतर सूरत निकल ही आएगी, बस तुम जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाओ। मैं ठीक हूँ, शायद मैंने बहुत ज़्यादा असर कबूल कर लिया था। 4 या 5 दिन अदनान को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में लग गए। उस दिन उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर से जाने की इजाज़त दे चुके थे। तब गालगन दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया। मैंने कहा था ना कि हर मुश्किल का एक हल होता है, और वो हल निकल आया। उन लोगों की साजिश भी तश तश बाम हो गई। क्या मतलब? बराए करम तफसीलात बताओ कॉलगन, अदनान बेचारी से बोला और कॉलगन ने चंद अखबार उसके सामने रख दिए। तफसील पढ़ लो, वो बोले। अदनान बेसब्री से उन खबरों पर निगाहें दौड़ाने लगा। बैंकॉक के अखबार थे और इनमें शीरान सलामन नामी एक दहशतगर्द की तस्वीर, दहशतगर्दियों की तफसील थी। मनशात के अड्डों का तस्करा था, मिस्टर मालिनो का नाम था और वो तमाम बातें दर्ज थीं जो पिछले दिनों बैंकॉक में पेश आ चुकी थी। एक के बाद एक अखबार को देखते हुए अदनान की आंखों में मुसरत की चमक पैदा होती जा रही थी। फिर उसने गहरी निगाहों से कॉलगन को देखते हुए कहा, तुमने इन खबरों से क्या अंदाजा लगाया? बहुत मामूली सी बात निकली यार, उस साजिश का पता भी लग गया है जो की जा रही थी और शीरान के दुश्मनों का भी जो उसके पसे पूछ थे। मतलब? अदनान ने मुस्कुराती निगाहों से कॉलगन को देखते हुए कहा, मंशियात के स्मगलरों का एक गिरोह है, वो जो मिस्टर शीरान को अपने मकसद का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मिस्टर मारिनो कौन है? यकीनी तौर पे इसी गिरोह के सरबराह होंगे और इस तरह उन्होंने शीरान को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद इसकी तबीयत हाइशों में मुकम्मल कराई ताकि वो एक नाकाबिले तस्खीर इंसान बन जाए और इसके बाद बैंकॉक में मंशियात के अड्डों पर कब्जा कर ले। तो मेरे दोस्त, साबित ये हुआ कि असल मामला मिस्टर मारिनो का है। अब मारिनो के बारे में मालूम हासिल करके शीरान को उनके चुंगल से निकाल लेना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होगा। अदनान इससे ज़्यादा कॉलगन को कुछ नहीं बताना चाहता था। जितनी कहानी उसने शीरान के बारे में कॉलगन को सुनाई थी वो बस इतनी थी कि असल हकीकत सामने आ सके, और अब भी वो कॉलगन को मज़ीद तफसीलात नहीं बता सकता था। ताहम उसने कहा, शायद तुम्हारा कहना दुरुस्त है कॉलगन, लेकिन अब प्रोग्राम क्या होगा? यहाँ से निकलो यार, बाकी बातें बाद में करेंगे, कॉलगन ने कहा। डॉक्टर अदनान को यहाँ से जाने की इजाज़त दे चुके थे, इससे थोड़ी देर के बाद अदनान कॉलगन के साथ अपने रहायशगाह में आ गया। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि तुम जैसे आदमी की हालत का इस कदर ख़राब हो जाना मेरे लिए तअज्जुब खेज है, लेकिन मेरे नुखे साथी सब कुछ होने के बावजूद अभी तुम उम्र के वो तजर्बात हासिल नहीं कर सके जो दिल की मजबूती बख्शते हैं, कॉलगन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, खुशबख्ती यह है कि मुझे एक माह की छुट्टी हासिल होने वाली है। मेरा ख्याल हम दोनों बैंकॉक चलें और वह मिस्टर शीरान के हशर समानी के मुजाहरे अपनी आंखों से देखेंगे। इसके बाद हमें खुद को भी आजमाना है। मिस्टर शीरान को हासिल करना हमारा अवलिन मकसद है और खुशी है कि वो मंजर आम पर है, हमें उसे तलाश करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बैंकॉक की पुलिस भी शीरान के पीछे है, यकीनन देखना यह कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस इसके मुकाबले में किस हद तक कामयाब होती है, कॉलगन ने मुस्कुराते हुए कहा। अदनान एक बार फिर भटक गया, हालांकि उस बात का सख्त अफसोस था कि उसने मिस्टर मारिनो को शीरान के बारे में इतला क्यों ना दी, वरना ऐसे हालात पैदा ना होते। लेकिन कॉलगन की गुफ्तगू के बाद एक बार फिर इसके दिल में वही ख्वाहिश उभर आई कि शीरान को हासिल करके पहाड़ों में ले जाए और सब कुछ उका दे। चुनाचे वो तैयार हो गया। उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, हाइशून से बैंकॉक जाने की इजाज़त कैसे हासिल की जाए? कोई भी बहाना कर दो, मेरे ख्याल में सबसे उमदा तरकीब वही है जो मैंने तुम्हें बताई है, अपनी बीमारी को जरिया बनाओ। मेरे ख्याल में मिस्टर हाइशून तारुज नहीं करेंगे, और फिर अदनानी मसला इतना गैर अहम नहीं कि तुम किसी रुकावटों पर तवज्जो दो। तुम्हें हर कीमत में मिस्टर शीरान को उनके दुश्मनों के चुंगल से निकालना है। अदनान गर्दन हिलाने लगा। कॉलगन उसे अदाकारी के गुर बताने लगा। उसने कहा, मेरी नई दोस्त जरूरत से ज़्यादा चलाक है, लेकिन मैंने उसे बिलाखिर शीशे में उतार लिया। ये सिर्फ अदाकारी का फन था। और हाँ अदनान, ये तुम बताओ एंजा ओलिवर के मामला कैसे चल रहे हैं? इस वक्त मुझे दुनिया की किसी दूसरी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है कॉलगन, अदनान गहरी सांस लेकर बोला। तुम्हें दिलचस्पी लेना होगी, ये ज़रूरी है, कॉलगन ने कहा, और अदनान उसे बेबसी से देखने लगा। इसकी ज़हनी हालत बेहतर ना थी, लेकिन कॉलगन जैसे मुखलिस दोस्त को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। आयश उनसे इजाज़त लेने का काम इतना मुश्किल साबित ना हुआ जितना तसव्वुर किया गया था। अदनान को उसकी बीमारी की वजह से तब्दीली आबो हवा और आराम की इजाज़त दे दी गई।
चुनाचे जरूरी तैयारियों के बाद वो बैंकॉक चल पड़े। सफर कोलगन की पुलुत्पातों के दरमियान तय हो रहा था। बैंकॉक में उन्होंने एक खूबसूरत 5-स्टार होटल में क़याम किया। कोलगन ने कहा, हमारी मुहिम का आगाज़ इसी होटल से नहीं हो सकता, हमें यहाँ कई ठिकाने बनाना होंगे। हाँ, शायद तुम बैंकॉक आ चुके हो। मैं सिर्फ आ चुका हूँ बल्कि मेरी भी कुछ दिलचस्प यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। इश्क वगैरह भी शामिल है इसमें? नहीं, लेकिन एक लड़की ज़रूर थी जिसने मेरे हाथों खासे नुकसान उठाए थे। मसलन इन नुकसान की नौीयत क्या थी? कोलगन ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। अदनान को वो लम्हात याद आ गए जब एक लड़की से ठगने की कोशिश की थी और अदनान खुद उसको तलाश करके वहाँ से फरार हो गया था। कोलगन उसे कुरेद कुरेद कर इस सिलसिले में सवाल करता रहा, लेकिन अदनान ने मुख्तसर उसे कहानी सुनाकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब वो यहाँ के मामलों के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन कोलगन उसे सोचने देता तब ना। देखो दोस्त, या तुम कोलगन के साथ आए हो और खामोश बैठना कोलगन के मजहब के खिलाफ है, क्या समझे? कौन से मजहब की बात कर रहे हो? यार अदनान, मैं अब तक तुम्हारे लिए दिल में बहुत से जज्बात और एहसासात रखता था, लेकिन तुम अपने आप को इन मुख्तलिफ जाहिर कर रहे हो। हम आपस के मशवरे से इस मसले को हल कर लेंगे। अब सबसे पहला मरहला शीरान की तलाश का है। जैसा कि अखबारात में तफसील पढ़ चुके हैं, हम लोग मिस्टर शीरान को मंशियात के अड्डों पर कब्जा करके मालिनों का परचम लहरा रहे हैं। ये मालिनों ही असल फसाद की जड़ मालूम होता है। बहरहाल हमें उस वक्त उससे कोई गर्ज नहीं। मालिनों अगर कभी हमारे रास्ते में आया तो हम नहीं। प्लीज़ कोलगन, मालिनों के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत करो। क्या मतलब? बस मैं जानता हूँ कि शीरान को नुकसान पहुँचाने वालों में मालिनों नहीं हो सकता। क्या मतलब? एक नई बात कह रहे हो तुम अदनान, कोलगन ने मुतअज्जिबाना अंदाज में कहा। हाँ, मालिनों के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो दरअसल मिस्टर मालिनों के खिलाफ ही एक साजिश है। मैं तुम्हें इन तमाम बातों की तफसील बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये सोचना चाहिए कि बाबा शीरान को किस तरह हम तलाश करें। भाई, मैं बेगर्ज इंसान हूँ, सिर्फ अपने दोस्त की मदद के लिए मंजर आम पर आया हूँ। चुनाचे मैं किसी बात को कुरेद कुरेद कर पसंद नहीं करता। जो तुम्हारा अपना ख्याल हो वही ज़्यादा मुनासिब होगा। कहने का मकसद यह है, मिस्टर शीरान को इन्हीं अड्डों पर तलाश किया जा सकता है। हमें यह मालूम करना होगा कि ये अड्डे कहाँ कहाँ वाक़ हैं और कौन कौन से अड्डों पर मिस्टर शीरान का कब्जा अभी नहीं हो सका। नीज ये कि यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, ये तमाम बातें मालूम करने के बाद ही हम कोई सही कार्रवाई कर सकते हैं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या हम अपनी असली शक्ल में ये तमाम काम कर सकते हैं? कौन अहमक कहता है हमें मेकअप करना होगा? क्या तुम्हें मेकअप करना आता है? सीक्रेट एजेंट को क्या नहीं आता? लेकिन मेकअप का सामान बैंकॉक के बाजारों से खरीदना पड़ेगा, कोलगन ने कहा। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर निकल आए। बैंकॉक की हसीन इमारतें इनकी निगाहों के सामने फैली हुई थी। यहाँ बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर थे और ऐसी बेशुमार जगह मौजूद थी जहाँ अपने मकसद की चीज़ें मिल सकती थी। चुनाचे एक स्टोर में दाखिल होने के बाद कोलगन ने अपनी पसंद का सामान खरीदा। उसके बाद अदनान को साथ लिए हुए सीधा अपने होटल आ गया। यह इन दोनों अपने चेहरों में तब्दीलियाँ की और इंतहाई चलाकी से बाहर निकल आए। अब वो मालदार किस्म के आवारा गर्द मालूम हो रहे थे। अदनान ने अपने चेहरे को नुमाया तब्दीली नहीं दी थी, बस लिबास वगैरह से उजरा मुख्तलिफ नजर आने लगा था। आंखों पर उसने एक सिया रंग का चश्मा चढ़ा लिया था, जबकि कोलगन की नाक फूली हुई थी। इसके दोनों होंठ वरम कर आए थे। इस तरह इसकी शक्ल काफ़ी तब्दील हो गई थी। अदनान का बदला हुआ हुलिया इसके लिए काफ़ी था और कोलगन ने भी इसे इत्तफाक कर लिया था। चुनांचे इस अंदाज में नीचे उतर आए, उन्होंने किराए की कार हासिल की और इसके बाद चल पड़े। कैंपिंग के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। चुनांचे थोड़ी देर के बाद वो एक कैंपिंग में पहुँच गए। फासला काफ़ी तय करना पड़ा था। बैंकॉक के निवा में यह कैंपिंग एक खूबसूरत जगह वाकई थी, जहाँ नन्नी सी मसनूई झील भी थी और इसके इर्द गिर्द आवारा गर्दों के खेमे फैले हुए थे। और यहीं पर उन्हें वो जगह भी नजर आई जो मंशियात के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन यहाँ मालिनों का बैनर देख उन्होंने मायूसी से होंठ सिकोड़ लिए। गोया यहाँ मिस्टर शीरान का कब्जा हो चुका है। आओ, कोलगन ने कहा और वो दोनों अड्डे की जानिब चल पड़े। केबिन से मंशियात तकसीम की जा रही थी। आवारा गर्दों के हजूम टूटे पड़ रहे थे और मुख्तलिफ किस्म की नशावर अशिया खरीदी जा रही थी। कोलगन ने एक दुबले पतले आदमी को देखा जो शायद आवारा गर्दों पर निगाह रखने के लिए था कि कहीं वो पैसे दिए बगैर मंशियात लेकर फरार ना हो जाए। इसके करीब पहुंच गया, उसने मुस्कुराते हुए इस दुबले पतले आदमी के शाने पर हाथ रखा। वो चौंक से देखने लगा। हेलो, कोलगन ने दांत निकालते हुए कहा। क्या बात है? दुबला पतला आदमी करख्त लहजे में बोला। अपना लहजा संभालो बेवकूफ़ आदमी, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। कौन हो? उसने सवाल किया। मैं मिस्टर शीरान का दोस्त हूँ, जिगरी दोस्त, कोलगन ने जवाब दिया और दुबले पतले आदमी के चेहरे पर नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा हो गई। वो गहरी निगाहों से कोलगन को देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, इसका सबूत? सबूत मिस्टर शीरान खुद दे सकेंगे। कहाँ है वो इस वक्त? ओह, पुलिस, दुबले पतले आदमी मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं मेरे दोस्त, पुलिस नहीं, मिस्टर शीरान का दोस्त। सवाल ही पैदा नहीं होता।
अगर तुम इसे शिरान के दोस्त होते तो कम से कम तुम्हें बात मालूम होनी चाहिए थी कि मिस्टर शिरान इन अड्डों पर नहीं मिलते जहाँ मालिनों का बैनर लगा होता है। इसके अलावा हम में से कोई शख्स उन्हें नहीं जानता और ना ही उनकी रहायशगाह से वाकिफ है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उनकी ख्वाहिश पर ही हम मिस्टर मालिनों के नाम पर कारोबार करें और 20% मिस्टर मालिनों के अकाउंट में जमा करा दें और बस। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। ओह कितने बेबस कितने मजबूर हो तुम लोग। क्या तुम ये भी पसंद नहीं करोगे कि मेरे दोस्त के मैं शिरान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दूं ताकि तुम 20% की मुसीबत से बच जाओ। भाई मैं एक मामूली सा आदमी हूँ या सिर्फ थोड़ी सी तनख्वाह पाकर इन लोगों की निगरानी करता हूँ जो नशावर अशिया खरीदते हैं कि कहीं वो फरोख्त करने वालों की आंखों में धूल झोंक कर फरार होकर पैसे दिए बगैर ना निकल जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा चंद बातें तो बता ही सकते हो। इसके बस तुम अगर चाहो तो ये रकम कमा सकते हो। कॉलगर ने जेब से कुछ करेंसी नोट निकाल कर इसके सामने करते हुए कहा और दुबला पतला आदमी इधर देखने लगा फिर जल्दी से नोट हाथ में ले लिए। बोलो बोलो क्या चाहते हो तुम। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि मुमकिन है तुम मुझे मंशियात के सिलसिले में कोई फ्रॉड करने के लिए रिश्वत दे रहे हो। या कौन कौन से अड्डे ऐसे हैं जहाँ शिरान का अभी तक कब्जा नहीं हो सका। शायद कोई भी नहीं मेरे ख्याल में। अब एक भी ऐसा अड्डा नहीं। शिरान हर जगह अपने पंजे गाड़ चुका है। क्या किसी अड्डे पर शिरान के मौजूद होने का इम्कान भी है या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। मकामी पुलिस इसकी तलाश में है क्योंकि इसके हाथों तो बहुत से कत्ल भी हुए हैं इसलिए शायद वो किसी अड्डे पर नजर तुम्हें नजर ना आए। और अगर कहीं किसी जगह इसके अहकाम की तामीर ना हो तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दुबले पतले शख्स ने जवाब दिया और अदनान गर्दन हिलाता वापस पलट आया। बात काफी तक दुरुस्त थी। शिरान के अड्डों पर इस तरह नजर आना मुमकिन नहीं था। फिर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठकर वो दोनों इस सिलसिले में फैसले करने लगे। बेहतर ये होगा कि अभी हम इन कैंपिंग की निगरानी करें और देखें कि मिस्टर शीरान नजर आते हैं नहीं। और अगर बिल्कुल नजर ना आए तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। मसलन अदनान ने पूछा और कॉलगन किसी गहरी सोच में डूब गया। देर तक सोचता रहा उसने गर्दन उठाकर कहा वैसे अदनान इस बात को जहन में रखना कि यह हम सिर्फ दो अफराद हैं और हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं कि हम बहुत से लोगों का मुकाबला कर सकें। चुनाचे जो काम भी करना इंतहा एहतियात से करना। हमें हजार आंखों से अपने अतराफ की निगरानी करना होगी। ठीक है इसके लिए तुम मुझे मुस्तैद पाओगे लेकिन प्रोग्राम क्या होना चाहिए। सुनो कॉलगन ने कहा और मध्यम लहजे में अदनान को अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगा। फिर बोला लेकिन ये उस वक्त करेंगे जब हमें चारों तरफ से मायूसी हो जाए। हमें यह भी देखना होगा कि मिस्टर शीरान के दुश्मन किस तरह इन अड्डों के बारे में सोचते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद भी हमें अमल करना होगा। अदनान ने कॉलगन से इत्तफाक किया था। उसे महसूस हो रहा था कि कॉलगन स्कॉटलैंड यार्ड का एक तबीयत याफ्ता जासूस था और अला तबीयत के लिए हाई शून में दाखिल हुआ था। यह अदनान की खुशबख्ती थी कि उसे जैसा आदमी का सहारा हासिल हो गया था। कॉलगन के जज्बीत से अदनान पूरी तरह मुत्तफिक था। उसके लिए उन्होंने मजीद इंतजाम किए थे जिसके तहत कॉलगन के मनसूबे पर अमल किया जा सकता था। तकरीबन 3 दिन तक वो मंशियात के मुख्य अड्डों पर गश्त करते रहे। किराए की गाड़ी में सफर करते हुए कोई दिक्कत पेश ना आई थी। इस दौरान कोई भी वाक्य ऐसा पेश नहीं आया था जो किसी भी तौर बाई से परेशानी हो था। और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि किसी कैंपिंग पर शिरान का इस तरह देखे जाना मुमकिन नहीं तो फिर अदनान कॉलगन के मनसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया।